ऑफलाइन हो रहे हैं। मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन देखते कौन जीतेगा। लेकिन इससे अच्छी चाय मैंने नहीं पी। पूरे गले में मेरे तो गुलाब महक रहा है। स्टिंग ऑपरेशन, ध्यान से देखिए चेहरे को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अभिषेक प्रजापति ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ शिवानी को उसके घर लेने। एक्चुअली आज शिवानी आएगी घर पे, मम्मी भी याद कर रही थी उसको एंड उसको भी याद आ रही है मम्मी की, तो हमने सोचा कि आज घर पे ही कुछ फन करते हैं। तो बस मैं उतर रहा हूँ, ये मेरा स्टूडियो बाय द वे। सो बस शिवानी को लेने जा रहा हूँ गाइज मैं एंड चलिए शुरू करते हैं। हाय मन्नी, अरे खोलो। हेलो हेलो, तुम अलाहाबाद से आके ब्लॉग में नहीं आए थे ना? हाँ, ये तो है। हाँ, मेरे पे अब डबल गाना आ गई, पकड़ना मन्नी को मिलने का मुझे। अब डबल वो आ गई ना मानू पे, जाओ तुम भी जाओ। मेरे दो पेपर भी आ गए। अरे मन्नी, इसके एग्जाम बचे हुए हैं ना, और अब तो ऑफलाइन होंगे तो बेचारा टेंशन में है। ऑफलाइन हो रहे हैं वाली मीम देख रहा था सुबह से। बच्चों आई एम बैक। ओह नो, अरे साले काम मर गया था, एग्जाम आने का वेट कर रहा था। सो गाइस, ऑफलाइन एग्जाम एक नाइटमेयर से कम नहीं है। अब तुम क्या कर रहे हो? वीडियो बना ली, एडिट कर रहा था। गाइस अगर आपको नहीं पता, मानू का चैनल है हिमांशु ऑन परकशन के नाम से। तो अभी वही देखो, BTS दिखा सकते हैं हम व्लॉग में। ये मन्नी का सेटअप है। yes. यहाँ पे मन्नी बैठ के शॉर्ट्स बनाता है। oh, yes. चलो ना, मैं ऊपर जा रही हूँ। चलो अंदर चलो। अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ ना, मेरी बेटी आ रही है। अच्छा ये लो शिवानी लाइए, सारे नारियल पानी देखो थोक के भाव से, और ये भी है। बढ़िया, शक्ल कैसे उतरी पड़ी है? और गुड्डो घर पूरा फैला हुआ है, वो फैला ही रहता है। तुम्हारा घर हमेशा फैला हुआ दिखता है व्लॉग्स में। अब फैले है ना, इसलिए हमारा घर फैला। फैले फैले लोगों का फैला फैला घर। मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन मुझे बच्चे क्यों नाराज हूँ? होने तो क्या, आप 6-6 दिन के लिए हमें छोड़ के चले जाते हो। मैं ना बोल दिया, मैं नाराज हूँ। अच्छा सॉरी। अच्छा हम तीनों पियेंगे नारियल पानी? नहीं, आप दोनों पियोगे। नहीं, तीनों पियेंगे तो दोनों पियोगे। हम कोई भी नहीं पियेंगे। नहीं, आपको मैं पिला के ही रहूंगी, अभी पिलाती हूँ, रुको। देखते कौन जीतेगा, देखते हैं हमारी हमारी बहस का क्या अंजाम होगा। लेट्स सी, तीन खुलेंगे कि दो खुलेंगे। सही में ए, मम्मी इस मामले में बहुत बहस है। आंटी ऐसे कह रही है खुलेंगे, जैसे दारू की बोतलें खुलती है ना, जैसे कि तीन बोतल खुलेंगे या दो खुलेंगे। पालक के पकौड़े बनाएंगे। ओ यस, पालक काट के रख रखे है ना, और चाय मैं बनाऊंगी। ठीक ठीक है, डन। आज का शाम का चाय पानी सॉर्टेड। अब पहले चलेगा नारियल पानी। अरे यार, इनकी सुई नारियल पानी। अरे छोटा था ये, पी ले यार। सो गाइस, नारियल पानी पार्टी चल रही है यहाँ पे। सो आई एम नारियल पानी वाले भैया। हाँ मैडम जी, कितने दे दूं? कितने का दिया मैडम जी? 40 का लगेगा आपके लिए। 40 का मीठा होना चाहिए, बस पैसे नहीं दूंगी। नहीं तो ठीक है, पी के देख लो। यहाँ तो रोल प्ले स्टार्ट हो गया। पी के देखो मैडम जी, पहले चलो मेरी बेटी को पिलाओ आप। मीठा होना चाहिए वो भी। अरे मीठा ना हो तो वापस है। तो गाइज, अभिषेक नारियल पानी वाला भी बन के दिखा सकता है, इसका हिडन टैलेंट है। ये और अंकल दोनों मल्टी टैलेंटेड है। अरे कल तक खोलेगा मैं भाई, टाइट है वो चक्कू। मम्मी इतना सा लाई है नकली नारियल पानी वाला। ओए पाक, तुम दे देख मम्मी चक्कू कितना सा लाई है। चक्कू मत तोड़ देना तुम मेरा। ओ आंटी को चक्कू की टेंशन है। ये बहुत तेज चक्कू है बेटा। आंटी वो इतनी तेज तेज कर रहा है, मुझे सच में लगा आप कहोगे बेटा ध्यान से कहीं हाथ पे मत मार लेना चक्कू। और आंटी का क्या रिएक्शन था? बेटा चक्कू मत तोड़ देना। ये आजकल की मम्मियां। चलो सॉरी, मैंने पहले पी लिया। चीयर्स। मीठा है ये? बिल्कुल नहीं है, फीका है। ये वाला पी के देख, ये देखा। अरे मैंने आज एक वैसे भी मीठा पिया था ना सुबह, चीनी है। मैंने पिलाया ना यार आप दोनों को। बोला ये मेरी बेटी पिएगी। माँ का तो कोई नाम ही नहीं है। पर गाइस मेरा प्यार देख रहे हो आप, फीका पानी वाला मैंने ले लिया और इसको मीठा वाला दे दिया, पी भी गया। जैसे मोहब्बत की ओर नहीं देखता अपनी, इससे अच्छी तो इसके पापा मोहब्बत करते। आपका कैसा है? मीठा है। मीठा है पक्का? गाइस मत कर यार, मत कर क्या, मम्मी तो मना कर रही थी, तू ही है। नहीं आंटी, मैं खुद धो के कुछ चाय का सब कुछ मैं खुद बनाऊंगी, आप कुछ मत करो। सो गाइस आज मैं स्पेशल टी बना रही हूँ ना, है गुलाब के फूल घर में। ये है ना, देख मेरा गुलाब तो आज घर आया है मेरे। कौन? तू। अच्छा मुझे तो लगा मैं गेंदा हूँ। लिली है तुम, लिली लिली। और तू पता क्या है मम्मी, यार इतनी तेज आवाजें निकालते हो आप भी यार। अरे मेरी मम्मी भी ऐसी है, डोंट वरी। अच्छा सो शिवानी ने धो दिया है फाइनली, दिखाओ चमक रहा है कहीं? yes. कुछ रहा तो नहीं क्या? सो अब शिवानी बनाएगी चाय। हाँ तो बनाऊंगी, तो
ये वो वाला नहीं है ऑटोमेटिक? नहीं बेटा, लाइटर से लेना। इतना अमीर नहीं हम। पहले वाला ऑटोमेटिक था, कम बोल। अच्छा हाँ, वो तो दान दे दिया है काम वालों को, और ये अमीर नहीं बताए हैं। हाँ, अपना ऑटोमेटिक चूल्हा तुमने किसी को दे दिया। हाँ, बाप दान नहीं रहे। अरे आंटी, वो तो दूध दो, दूध दो, मैंने फालतू में क्यों चढ़ा दी। ओ भाई साहब, और डाल और डाल। हाँ, इतना सा क्यों बचाऊं? तो डाल दे सारे। लीगल है, चक्कू लाए मां। अब यार मम्मी तो चक्कू के पीछे अभी तक पड़ी हुई है। oh, no! यार इनका चक्कू ना हो गया, पता नहीं अल्लाह, इनका चिराग हो गया। तो ये हैं गुलाब के फूल। oh, yes. तो गाइस ये देखो, इसमें गुलाब आ गया है। ओ माय गॉड, चम्मच से मिला भी रही है। हाँ, तो अच्छे से डॉब होना चाहिए ना। अच्छा, कम पे अच्छी बनेगी, बात मान। ओके, इसका वो इसी पर। मैं टूट गया बेटा, बार बार टूट जाता था, पत्थर छोड़ता था, मैं तो इसी से मार देती हूँ बस। शिवानी के घर का भी टूट गया, क्योंकि हमारे घर का भी हाफ हुआ पड़ा है। मम्मी ने सही हैक बता दिया तेरे को। हाँ, पूरे डाल दो, ज्यादा ना हो जाए। नहीं होगी ज्यादा, नहीं हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा। हाँ, फिर मैं कहेगी ना, थोड़ी कम कर। हाँ, इतनी ठीक है, डाल दे इतनी ठीक है। और कूटो ना इसको। गाइस, अगर आपकी भी इसका वो टूट गया तो इससे आप इंडियन घरों का जुगाड़ यही होता है। चीनी, अब लास्ट चीनी। नहीं, आंटी को तो शुगर फ्री पीनी ना, तो हम आंटी की निकाल के फिर डालेंगे। हाँ, ठीक है। सो ये चाय हमने सिम पे रख दिया गाइस, रोस्टी। ठीक है, अब आंटी यहाँ पे बना रही है पकौड़े। और ये जो कढ़ाई आप देख सकते हैं ना, ये अभिषेक की बड़ी बहन है। ये काणी कढ़ाई है। काणी काणी एक है, एक नहीं है, देखना तरफ से। अच्छा हाँ, है नहीं ये गाइस, इसको उल्टा मत करो गाइस, मेरी मम्मी की बेटी है ये। ठीक है, मम्मी की बेटी। अरे गाइस, जब मम्मी पापा किराए पे रहते थे ना, तब से कढ़ाई है। हाँ। मेरे घर में 5-6 कढ़ाई और है, निकाल के दिखा दूंगा। और अच्छी अच्छी हैं। बट नॉन स्टिक भी है, प्रेस्टीज वेस्टीज की भी। बट मम्मी तो भाई, लेकिन आंटी की, जैसे ये आंटी से लॉयल है, वैसे आंटी इससे लॉयल है। आई थिंक हर इंडियन हाउस होल्ड में एक ऐसी पुरानी सी कढ़ाई तो होगी। भले हम कितनी नई खरीद लें, क्योंकि हम हैं इंडियन लोग, नए के चक्कर में पुरानी नहीं फेंकते। मतलब प्रेजेंट में कुछ भी बन जाए, लेकिन अपनी अतीत और औकात नहीं भूलते हम। और ये घर का बनाया हुआ है, मम्मी के मामा ने दिया है मम्मी को पैक करके, कि अरे लेके जाओ बिटिया। गुड्डू ने पता है कि ने पापड़ और अचार अच्छा लगता है, दोनों चीज भेजे उन्होंने, चार भी खा के देखना। ये घर का बना हुआ, ये घर के बने हुए हैं। वाओ, नाइस, घर के बने हुए पापड़। आपको पता नहीं था शिवानी आई है? गुड पीपल Wash their hands first. See, before greeting and hugging. हलवाई भैया। और इलाहाबाद में सब हमारी वीडियोस देखते हैं ना? Yes. तो आंटी किसने बनाई है? मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कैमरा पे। हाँ, मामा जी। मामा जी की भाषा में बोलो। और नमस्ते मामा जी। हमें बहुत अच्छा लगा। पकोड़ नहीं, पापड़, पकोड़ा कह रही हूँ। कैसे हो? BS. Oh no! पकौड़े क्यों निकल रहे मेरे मुंह से? पापड़ है भाई। पापड़ है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पकौड़े वहाँ बन रहे हैं ना। मैं अपनी परी का कोई भी बात का बुरा नहीं मानता। गाना भी बना दिया। कौन सा गाना बनाया? BS बदनाम हुआ, सालू डार्लिंग तेरे लिए। BS बदनाम हुआ, सालू डार्लिंग तेरे लिए। और आगे नहीं। सालू डार्लिंग तेरे लिए, तू है मेरे लिए। अरे यार, बस यार, बस करो भाई, बस करो। हाय माय परियो, हाय माय जिगर के छल्लो। तो गाइस, चाय आ गई है, पकोड़े आ गए हैं, मम्मी पकोड़े बाकी ला रही हैं। सो शिवानी के हाथ की पहली चाय पापा पियेंगे आज। कोई नहीं, मानू को पिला दूंगा थोड़ी सी मैं अपने में से। भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वैसी चाय तो पिए, लेकिन इससे अच्छी चाय मैंने नहीं। ओह वाओ, तालियां तालियां। ये मजाक वाली बात नहीं, खुद पी के देख ले चाय। अच्छा, अच्छी है। हाँ। ले भाई, मेरा रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर ले तू फिर। वही ना, मैं देख झूठ नहीं बोलता चाय के मामले में, आई एम अ बिग चाय लवर। पहले तो चीयर्स कर ले पापा और मैं। चीयर्स। बताओ। ओ भाई साहब, क्या हुआ शिवानी? इतना खतरनाक टेस्ट आ रहा है ना रोज का, इतना बढ़िया है। मतलब थैंक यू। असल मायने में जो हमने वैलेंटाइन पे पिए ना, हाँ, वो रोज चाय नहीं थी, ये रोज चाय, ये चाय। और दूसरी बात, हमने जो मनाली में हम गए थे ना, वो कह रहे चाय से अच्छी चाय को नहीं बनाता, उसको भी फेल कर दिया बेटा हमारी चाय। ओ थैंक यू। चलो दोनों ताली बजाओ फिर चाय छोड़ के। इसमें से 10 में से 10 ऑफ 10। थैंक यू। अच्छी है। पूरे गले में मेरे तो गुलाब महक रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या चाय बनी सच में, पहली बार पी है मैंने।
देख रहे हो गाइस, और ये इसने खुद करा है, इसका होंठ फट गया, दिखाओ कहाँ भाग रहा है, देखो जरा स्वेलिंग भी आई हुई है अभिषेक, क्या यार। और पता है इसने क्या करा था, अमरूद उछाल रहा था और मुंह में डाल रहा था, बताओ। oh, no. ऐसे कौन खाता है भैया, वो बेर नहीं है, बादाम नहीं है, अमरूद है। अब इसको कुल्ला करा दिया, चीनी खिला दी, सब कुछ करा लिया, इसका ये ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। बेटा खाना खाने में दिक्कत होगी बताओ कुछ। हाँ कुछ तीखा स्पाइसी नहीं खा पाएगा अभी ये। गाइस मेरा बचपन में नाम कच्चा अमरूद था और मेरे अमरूद से लग गई। हाँ मेरी चिड़ती बचपन में ये। हाँ। बर्फ की सिकाई है ना। कच्चा अमरूद देखो, कच्चा अमरूद, कच्चा अमरूद देखो, कच्चा अमरूद ये पीता नहीं दूध, देखो पीता नहीं दूध, कच्चा अमरूद देखो। अरे बंद करो यार, ठीक हो गया मेरा गाना सुन। और गाइस बर्फ अभी है नहीं, जमा रही नहीं, तो मटर रखी हुई थी, फ्रोजन मटर। हाय हाय मुझे लगा बर्फ है अभिषेक। फ्रोजन मटर से तो सिकाई कर रहा है यार। तो बाबूजी वो थोड़ी कहते मुझे मार उठा के तू। क्या यार, मोटे मोटे बीज होते हैं इसमें, बैठो अपने घर में पेड़ लगा लो। आंटी एक्चुअली इलाहाबाद से इलाहाबादी अमरूद लाई थी ना, तो अंकल अब अमरूद को ब्लेम कर रहे हैं। वाओ मन्नी कैसा लगा पिट के? मजा आया गाइस। एक्चुअली ना जो अभिषेक कर रहा था ना, जिससे उसकी लगी है, तो मानू कह रहा है कि मैं सेम करके दिखा सकता हूँ। फ्यू मिनट्स लेटर गाइस, आज आंटी का ना डिनर बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम एक ढाबे से लेने आए हैं। हमेशा लेके जाता हूँ यहाँ से। एक्चुअली ना मैंने ये देखा है अभिषेक, जो छोटे ढाबे होते हैं ना, उनका खाना फ्रेश होता है एंड टेस्ट अच्छा होता है। दिस इज दाल पनीर, शिवानी के लिए गार्लिक नान, पापा के लिए लच्छा पराठा। कैसा है खाना? बढ़िया। सही है खाना? पर लच्छा पराठा ना उस दिन ज्यादा अच्छा था। अच्छा पराठा नहीं, गार्लिक नान, सॉरी जो भी है, उस दिन बड़ा टेस्टी बनाया था। वैसे भी जो भी खाना मिल जाए ना, जब खा रहे हो तो प्रेम से खाओ, उसका शुक्र गुजार करो। जय माता दी, प्रेम से बोलो कि जो खाना आपने दिया सही बात, अच्छा दिया। गाइस आज ये ज्ञान दे रहे हैं, वैसे खाने लग जाते। वैसे क्या करते, नुक्स निकालते। कसम से गाइस, आंटी को सुनाते हैं, क्या बाबू क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, मैं करके चल लो इसको, मैं जन्म से दधिकार है, मैंने दे रखा है। एक सेकंड, आपकी ना पोले खोलती हूँ मैं, तो उसको आप जन्म से दधिकार का नाम दे रहे हो। अभिषेक वक्त बदल गए, अभिषेक नहीं खाता। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो अभिषेक नहीं खाता। जो मिल रहा हूँ यहाँ पे कहा करो, अरे ये ज्ञान पहले खुद को दो। यार ये पता है तूने बोले बनते हैं ब्लॉग में। अच्छा मेरी बीवी बताएगी, तो आप बता ना तुम जो भी सब्जी बनाते हो, कौन चटनी से भी, कौन खाता है तुम्हारे यहाँ रोटी। आंटी नुक्स कौन निकालता है ये बताओ, देखो बताओ, आपको सच बोलना है, इतनी बार तो नुक्स निकालते हुए मैंने देखा है। अरे क्या बाबू क्या सब्जी बना रखी है, लेकिन चटनी से भी रोटी कौन खाता है। आंटी की जो खामोशी है ना, समझ जाओ गाइस, मैं ना चुपके चुपके सिपाही ने मुझे इशारा कर दिया था। अच्छा लगा बेटा, बकवास लग रहा है। हां सही नहीं है ना, दाल भी ठीक है। हेलो, स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन, इसने इशारा कर दिया था मेरे को। मैं मैंने कहा अभिषेक चुपचाप से वीडियो बनाई हूँ, देख अंकल की ना असलियत निकलवाऊंगी धीरे धीरे। स्टिंग ऑपरेशन, ध्यान से देखिए चेहरे को, जो मिलता खा लिया करो। यार सबसे ज्यादा नखरीले खुद है, अब यहाँ तो हाथ पकड़े गए हैं, स्टिंग ऑपरेशन हो गया अब तो। और आंटी ना पहले कह रही हाँ खा लेते हैं खा लेते हैं, फिर आंटी कैसे कर रहा था, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए आप। मेरी परिवार के चलने मुझे इतना ही प्यार करेंगे, झूठ तो नहीं बोलते ना उनके अंकल ना, अपने जो बात होती है वो प्यार करते हैं, उसकी मान जाते हैं, उसकी सहन कर लेते हैं। और उसके उसके अभी वो उन्हें ये भी पता होगा, शिवानी ने बोला हुआ ये, और शिवानी को अच्छा नहीं लग रहा तो अंकल ने भी बोल दिया हाँ मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। गाइस मैं शिवानी के घर पे हूँ एंड व्लॉग फाइनल एडिट कर रहे हैं, अभी अपलोड करेंगे, तो आउटरो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। तो इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज यार सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। गाइस थैंक यू फॉर 14K। ओह वाओ, थैंक यू गाइस। हां एंटिल देन स्प्रेड लव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय बाय।